स्टूडेंट्स, आप स्कूल तो जाते ही होगे। स्कूल में आपने क्या देखा होगा? ब्लैक बोर्ड, डस्टर। उसके अलावा जब आप घर आते हो तो आपको मम्मी खाना किस पर देती है? टेबल। एंड ब्रेड तो सबने खाई है, पिज्ज़ा भी सबको पसंद है। एंड व्हेनेवर यू ओपन योर ज्योमेट्री बॉक्स, क्या आपने उसमें देखा है कितनी सारी शेप्स होती हैं? ट्राइंगल, रेक्टेंगल, प्रोटेक्टर। सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट क्या कि हम इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं? इनको कैसे मेजर या फिर इनको कैसे मेजर किया जा सकता है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, दैट इज मेंसुरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी चीज़ को या फिगर को मेजर करना। दैट इज कोई क्लोज फिगर होनी चाहिए। फिलहाल इस चैप्टर में हम अपने दो टॉपिक्स पर मेन फोकस करेंगे, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। सपोज स्टूडेंट्स, एक ग्राउंड है रेक्टेंगल की शेप में। सपोज उस रेक्टेंगल ग्राउंड को मैं सपोज कर लेती हूँ ए बी सी डी। सपोज मुझे इस ग्राउंड का एक पूरा राउंड लगाना है, तो स्टूडेंट्स मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया मैं, और ग्राउंड का पूरा राउंड लगाकर मैं वापस किस पे आ गई? पॉइंट ए पर। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पूरे ग्राउंड का डिस्टेंस कवर किया, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड, दैट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्राउंड। सपोज स्टूडेंट्स, इस ग्राउंड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मेरा पेरीमीटर क्या हो गया? पहले मैं लेंथ के अलॉन्ग गई, दैट इज 10, प्लस फिर मैं ब्रेथ के अलॉन्ग गई 5, देन अगेन मैं नीचे वाली लेंथ के अलॉन्ग गई, दैट इज 10, प्लस फिर से ब्रेथ के अलॉन्ग गई 5, सो 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्लोज फिगर की बाउंड्री की जो लेंथ होती है वही हमारा पेरीमीटर होता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ द क्लोज फिगर। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दीज फिगर्स एंड टेल व्हाट विल बी देयर पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी सम क्लोज फिगर। इन सभी फिगर्स की जो बाउंड्री की लेंथ है, अगर मैं इस फिगर की बाउंड्री की लेंथ को मेजर करूँगी, उसका मतलब मैं क्या मेजर कर रही हूँ? पेरीमीटर। दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ द क्लोज फिगर। स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द फॉर्मूलाज फॉर पेरीमीटर। स्टूडेंट्स, पेरीमीटर मेजर करने के लिए हम फॉर्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हैं। हर भरी हमें उसे ऐड करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ केसेस में पड़ती है, बट फॉर्मूलाज भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, सपोज एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, वेयर ए बी एंड डी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए डी एंड बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा? सारी लेंथ्स का एडिशन, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि ये जो पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर डी सी को ए बी भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ए बी और डी सी इक्वल है, और मैं बी सी को ए डी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बी सी और ए डी इक्वल है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस ए डी। सो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डी। अब मैं इसमें से टू कॉमन ले लूँगी, सो क्या हो जाएगा? टू इंटू ब्रैकेट में ए बी प्लस ए डी। सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस ए डी दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया। फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड
द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्टूडेंट्स अगेन सपोज देयर इज अ स्क्वायर ए बी सी डी विद ईच साइड 6 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स हमें पता है स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है. ओके स्टूडेंट्स नाउ आई नो हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर. मेरे को पता है पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है. सारी लेंथ्स का सम करेंगे. सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, तो मैं सभी साइड्स को ए बी लिख सकती हूँ ना. सो मैंने बी सी सी डी और डी ए की जगह क्या लिख दिया, ए बी. सो ए बी को कितनी बार हो गया, ए बी ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, 4 times AB. सो 4 into AB. सो ए बी की हमारी क्या लेंथ है, 6 सेंटीमीटर. सो 4 into 6 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी. अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला भी मिल गया साथ में. फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 into साइड, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और एक साइड की लेंथ क्या है, जो भी आपको दी होगी. सो 4 into लेंथ ऑफ दैट साइड. नेक्स्ट वी विल सी द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. स्टूडेंट्स हमें पता है कि ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज 60 डिग्री. एक और ट्राइंगल होता है हमारे पास, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. इसमें क्या होता है कि हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, एक साइड अलग होती है. थर्ड इज स्केलर ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं और सारे एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा याद रखना है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है, आइसोसेलेस और स्केलर ट्राइंगल के लिए नहीं होता. अगर आपसे उसका पेरीमीटर पूछा जाएगा तो आप मैनुअली करोगे, सारी लेंथ्स को ऐड करके फिर उसका पेरीमीटर निकालोगे. ओके सपोज स्टूडेंट आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विथ ईच साइड 3 सेंटीमीटर. मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी और हर साइड की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर. अगेन आई नो हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर. सो द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. क्योंकि स्टूडेंट सारी साइड्स इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे बी सी और सी ए को ए बी भी लिख सकती हूँ. सो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 3 times AB. सो ए बी की हमारी क्या लेंथ दी हुई है, 3 सेंटीमीटर. सो 3 into 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे मेरा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी का क्या है, 9 सेंटीमीटर. और मुझे यहाँ पे फॉर्मूला भी मिल गया. फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 into लेंथ ऑफ साइड. क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स हैं, सो 3 into और लेंथ, एक साइड की लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी. Now students, you might have noticed कि formula for perimeter of square and formula for perimeter of triangle are very similar. That is 4 into side ये square का है and 3 into side. ऐसा क्यों है? तो students यहाँ इन दोनों figure में एक चीज़ common है, ये दोनों ही regular polygon है. Students अब आप सोच रहे होंगे कि regular polygons होते क्या हैं. तो students अ रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन डैट इज इक्वेंगुलर. इक्वेंगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, मतलब सारे एंगल्स सेम है. एंड इक्विलेटरल डैट इज सारी साइड्स भी इक्वल हैं लेंथ में. सो स्टूडेंट्स ऐसे पॉलीगन्स जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल हों, इक्वल मेजरमेंट के और सारी लेंथ्स भी इक्वल मेजरमेंट की हों, सो वो वाले पॉलीगन्स क्या कहलाते हैं, हमारे रेगुलर पॉलीगन्स. स्टूडेंट्स आपसे अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर पूछा जाएगा तो आप एक यही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ अ साइड. कि आपको अगर सपोज पेंटागन का पूछा जाता है तो पेंटागन भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है, उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं और उसकी सारी साइड्स की जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है, वो भी इक्वल है. सो उसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 into लेंथ ऑफ अ साइड. सपोज लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो 5 into 6 हो जाएगा और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5. ओके स्टूडेंट्स ये हर पॉलीगन के लिए, हर रेगुलर पॉलीगन के लिए. ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामीटर टॉपिक.